हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे सब लोग? तो अभी रात के बज रहे हैं कुछ, अबे यार घड़ियाल में मेरे नहीं है बैटरी, में भूल कैसे गया। अभी रात के बजे 1:19 हुई है और अभी हम लोग सब फ्रेंड्स यहाँ पे मैगी खा रहे हैं। और एक्चुअली हम गए थे ब्रह्मास्त्र देखने, जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी कार में हवा कम हो गई है। हाँ भाई एक सेकेंड चालू करता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ अभी वो खोल लेना दरवाज़ा, अभी हवा कम हो गई तो हम हवा भर रहे हैं फ्रंट व्हील में और अभी मैगी का वेट भी कर रहे हैं। सो हम सब लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे मैगी खा रहे हैं वीर वछराज फूड पॉइंट और यहाँ पे हवा भर रहे हैं हम। भाई उसमें लगाया ना, बराबर उसमें लगाया ना, लगाया ना, तो ठीक है, हवा कम है। इसका पावर कम आ रहा है ना, पावर कम आ रहा है। और हाईवे पे रात को मैगी खाने के मजा ही कुछ अलग है यार, वो भी बारिश के मौसम में। चीज मैगी चाय तो हमने पी ली। नेविगेटर जय किशोर सिटी से, प्रीते से और भावे से। हाँ बोलो, कैसी लगी ब्रह्मास्त्र? वन टाइम देखनी चाहिए। अच्छा तो अभी आप दोबारा देखने नहीं जाओगे? नहीं मैं जाऊँगा मंडे को। तो फिर तो हवा तो भर चुकी है, सॉन्ग करो पहले स्टॉप, वरना भी कॉपीराइट लग जाएगा। मिरर तो कर देते क्लोज। और ये जलने की बू कहाँ से आ रही है यार? अरे यार सॉकेट बॉकेट जल गया यार, ये क्या हो गया? जलने की बू आ रही है इसमें से, तो लगता है इसमें कुछ। ओ जल गया है भाई साहब ये तो, देखो तो फटना जाए। ओ भाई साहब सिट, ओ ये क्या हो गया? इसलिए वो पावर नहीं दे रहा था यार। ये आज यार स्टैंड नहीं लेके आया, स्टैंड लेके आया था तो अभी मस्त महफिल का वीडियो छूटा था। वो उधर सतीश बैठा है और ये उठ के कहाँ गया भाई? उठ के यहाँ पे क्यों आ गया? पीछे मेरे पीछे आ गया यार, लाइट में चांदा मामा छुप गया। चांदा मामा छुप गया। अब रिव्यू लो, इनसे रिव्यू लो मूवी का। अरे हाँ सतीश, मूवी कैसी लगी? सतीश मूवी कैसी लगी? नाम क्या था इसका? मैगी अच्छी। मैगी नहीं, मूवी कैसी लगी? पता नहीं मैगी अच्छी। और हैं भावेश, मूवी कैसी लगी? जोरदार थी मूवी, अच्छी थी। तो बोल प्रीतेश। गुड गुड, मजा आ गया। पहले तो मैं आने वाला नहीं था लेकिन दीपू ने जबरदस्ती टिकट बुक कर दी। मूवी में की पास वाली कुर्सी में भाई, मूवी में मजा आया यार। सही बात है, वो बात सही है, इसके पास वाली चेयर में ज्यादा मजा आया होगा तुझे थिएटर में। थोड़ा 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 थोड़ा। किशोर अभी आपका रिव्यू बाकी, मूवी कैसी लगी? बढ़िया मैगी है भैया। मैगी नहीं मूवी, मूवी मूवी का तो मैं सही नहीं बता सकता। हाँ ये तो बहुत मस्त मैगी बनाते हैं वीर वछराज, क्योंकि मैं इनके पास ही मैगी खाता हूँ रात को जब आता हूँ। तो मस्त मैगी है, मूवी क्या क्या करने आते हो रात को भाई? भाई रात को ऐसे घूमते रहते हैं, जब जैसे कि अभी हम लोग घूम रहे हैं वैसे अकेले अकेले। इधर करो, आप जब भी बाहर मूवी देखने जाते हो तो आप मोबाइल का कवर क्यों निकालते हो ये बताओ? भाई कवर नहीं निकालता हूँ क्योंकि कवर से क्या हीट होता है मोबाइल, इसलिए कवर निकाल देता हूँ। देखिए हमने ये जो 80,000 की चीज ली है, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए भाई, थोड़ा दिखना चाहिए। फिर भी चीज लिया है तो फिर दिखना तो चाहिए ना, क्या बोलते हो जय भाई? सही है ना, बर्बाद हो जाए। हाँ लेकिन मेरे को गर्म गर्म मैगी नहीं पसंद, इतनी गर्म नहीं पसंद, उसकी कुछ अलग ही वैल्यू है। बाकी आप मैगी खाओ। आइसक्रीम और सब कुछ हम ले रहे हैं अभी, पीना पीना। सो गाइस अभी प्लान कर रहे हैं कि नाइट आउट करें या घर पे जाए। बच्चों वो तो ठीक है लेकिन नाइट आउट का इधर गांधीधाम में सोच रहे हैं और सब लोग अंदर ही बैठे हैं। नेविगेटर जय बोले मेरे को घर पे छोड़ दो, उनको कल जॉब पे जाना है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं अभी। और अभी टाइम हो रहा है 2:58 हो रही है अभी, और अभी सेल पेट्रोल पंप से हम निकल गए। बस अभी टाइम हो रहा है रात के 3 रहे हैं और नाइट आउट का प्लान कैंसिल हो गया। वैसे नाइट आउट ही हो गया हमारा, 3 बज गए, आधा नाइट आउट कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे आ गया घर से पप्पा का फ़ोन। और जब पप्पा का फ़ोन आता है तो भाई साहब फटाफट घर पे पहुंचना होता है। सो पप्पा का फ़ोन आ गया मेरे को अभी से कुछ आधा घंटा पहले, मेरे को फ़ोन आया और फिर हम थोड़ी देर बैठे थे। सो अभी मैं अपने घर से पास में ही हूँ वैसे, हाईवे पे हूँ और अभी घर में बस पहुँचने ही वाला हूँ। आई होप पापा जाग नहीं रहे हो,
वरना डांट पड़ने वाली है मुझे तो बहुत बुरी, क्योंकि नाइट आउट करना अलाउड नहीं है मुझे, रात को बाहर जाना अलाउड नहीं है मुझे। सो आई होप पापा जाग नहीं रहे हो, सो गए हो, तो फटाफट भी घर पे पहुँच दे, फटाफट मतलब आराम से लेकिन फटाफट। सो गाइस अभी अपनी शॉप पे मैं आ चुका हूँ, अभी मतलब कि मैं तो बहुत पहले आ गया था, लंच बस कर लिया है और बैठे थे, सोचा अभी व्लॉग कर देते हैं शुरुआत। तो कल रात को हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, अभी मेरे को डर था कि घर पे जाके मेरे को पापा की डांट ना पड़े, लेकिन पापा की डांट मेरे को पड़ी नहीं, पापा सो गए थे, लेकिन अब मेरे को डांट पड़ेगी क्योंकि पापा मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं और उनको वैसे पता नहीं था कि मैं कितने बजे आया। जब ये व्लॉग आएगा और देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं कितने बजे आया और क्या क्या किया। सो अब 110% मुझे डांट पड़ने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे डांट। और दूसरा अभी हम लोग परमानेंट माड़ा लेने गए थे माता जी की छवि के लिए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम फूल की माड़ा चढ़ाते थे वो अभी हमने बंद कर दी, और ये परमानेंट हमने चढ़ा दी है माड़ा हमने, और ये हमको पड़ी 900 रुपये में, और जो फूल वाली माला थी वो पर मंथ उसका होता था 1500 रुपये। सो ये परमानेंट हमने लगा दी है। तो हमने शॉपिंग कर ली है और अभी जा रहे हैं आपके शॉप पे, कुछ बिल बना है, टोटल कहाँ गया 3795। अभी कर ली शॉपिंग और स्टूडियो में थी बहुत सारी पब्लिक, इसलिए ब्लॉग ही नहीं किया मैंने, और बाल बहुत ख़राब आ रहे हैं मेरे, तो अभी फटाफट पहुँचते शॉप पे क्योंकि प्रीतेश का फोन आया था, यार कस्टमर आया है मेरा दोस्त एक्चुअली, तो फटाफट जाते हैं शॉप पे। तो मैं और प्रीतेश बैठे हैं नीचे और ये लोग साले सब ऊपर बैठे हैं, हमको नीचे फेंक दिया। तो ये ब्लॉग इधर एंड करते हैं, अगर आपके ब्लॉग जरा से भी अच्छा लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे आना है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अभी आपको मिलते हैं हम कल, भाई तुम्हारे एक्टिंग मत कर, कभी कभी भाई ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।